कैपिटल वर्सेस मनी, आप सबसे बड़ा जरूरत कि भाई सर कैपिटल कितना हो और मनी कितना हो। कैपिटल और मनी में देखिए फर्क ये होता है कि कैपिटल में आपका कोर कैपिटल कितना होता है, आपके पास असल में कैश कितना है, राइट, मतलब कि आपका खुद का कमाया हुआ कैपिटल कितना है, आपका खुद का इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है। डेट मनी नहीं है, मार्जिन वाले नहीं, ये खुद का कैपिटल कितना है। और मनी होता है जो मार्जिन होता है उसको भी हम लेके मनी बोलते हैं कि भाई मेरा कैश फ्लो इतना है, राइट, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, अब उससे मैं अगर फ्यूचर ट्रेड करूंगा तो मुझे 10 लाख में 15 लाख का मार्जिन मिल जाएगा, तो 10 लाख तो आपका कैपिटल हो गया और ये 15 लाख मनी हो गया, उसमें 5 लाख रुपया डेप्ट है। तो कैपिटल और मनी में ये फर्क समझिए, वो जो आप जब खरीदते हो ना, फ्यूचर खरीदते हो तो उसमें मार्जिन मनी पे करते हो, राइट, और वो आपको 15 लाख का माल 10 लाख रुपये में देता है, तो आपकी कैपिटल 15 लाख नहीं हुई है, आपकी कैपिटल 10 लाख ही है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो 15 लाख पे आप कमाओगे, 15 लाख पे खोओगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए, फ्यूचर ऑप्शंस में जब भी ट्रेड करते हो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, इधर में दिमाग में डाल के रखिए। 10 लाख का कैपिटल है तो आपको हो सकता है 15 लाख का माल खरीदने दिया जा सकता है, मार्केट में फ्यूचर्स में माल आपको दिया जा सकता है खरीदने, आप खरीद सकते हो, लेकिन उसका नफा नुकसान जो होगा वो 15 लाख पे ही होगा और आपकी कैपिटल जो है वो 10 लाख ही है। मनी आपके पास 15 लाख है लेकिन आपकी कैपिटल 10 लाख है। 5 लाख रुपए जो आपको एक्स्ट्रा मिले हैं वो उधारी के हैं, वो उधार है। और इससे एक और बात मेरे जहन में आई कि लोग बोलते हैं कि 10 लाख के कैपिटल से मैं मार्जिन लेके ट्रेड करूंगा। पहले आप अपने पैसों से ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो जाइए, आपके पास चाहे जितने पैसे भी हो, 5 लाख 7 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ 1 लाख, जितने भी पैसे आपके पास है आप पहले उन पैसों से ट्रेड करिए जो आपके स्केर्ड मनी नहीं है, जिसको आपको खोने का डर नहीं है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, मैं आगे बात करूंगा कि क्या डिफरेंस है एक रिटेल ट्रेडर में, आपके जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर में क्या डिफरेंस है और क्या डिफरेंस होता है एक बड़ा मनी मैनेजर में या एक बड़े बंदे में जो बैठ के आपको ज्ञान दे रहा है, उसमें क्या फर्क होता है। सो, पहले आप अपने कैपिटल से कमाना सीखो और उसके बाद आप उधार की कैपिटल लो और कमाओ। मैं एक चीज में देखिए, मैं बिजनेस भी करता हूँ और अपने फैमिली बिजनेस में भी इन्वॉल्व हूँ, तो मेरे पिताजी मुझे एक बात बोलते हैं कि अगर तुम अपने घर के पैसों से पैसा नहीं बना सकते तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि उधार लिए हुए पैसों से तुम पैसा बना लोगे। जब मैं अपने घर के पैसे से पैसा नहीं बना सकता तो मैं उधार लिए हुए पैसे से पैसा कैसे बना सकूंगा, और वो उधार का पैसा मुझे वापस चुकाना है, वो मेरी बाप की जागीर नहीं है, वो मुझे वापस चुकाना है। तो याद रखिएगा, जब भी आप हमेशा जब मार्जिन के बारे में ट्रेड करने की सोचते हैं, जब आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने की सोचते हैं, तो ये चीज हमेशा अपने बैक ऑफ माइंड रखिएगा कि क्या अगर मैं ये अपने पैसे से ट्रेड करता तो क्या मैं इसमें प्रॉफिटेबल रहता, क्या मैं अपने पैसों से ट्रेड करके प्रॉफिटेबल रह चुका हूं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछिएगा फ्रेंड्स फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करने के पहले। ट्रेडिंग कैपिटल क्या होता है? कोई भी बिजनेस को एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए ऑपरेट करने के लिए, वो ट्रेडिंग कैपिटल होता है। आप कितने रुपए अलॉट कर रहे हैं स्टॉक्स खरीदने में या ट्रेडिंग करने में, वो ट्रेडिंग कैपिटल होता है। और वो आपके ट्रेडिंग कैपिटल में आपका कैश रिजर्व भी आता है जो कि आपको बाद में जरूरत पड़ सकती है ट्रेडिंग करने के लिए। तो मतलब कि एक ट्रेडिंग कैपिटल एक टोटल अमाउंट होता है जो कि आप ट्रेडिंग करने में इस्तेमाल करोगे, एलोकेट करोगे स्टॉक ट्रेडिंग में, वो होता है ट्रेडिंग कैपिटल। और एक चीज याद रखिएगा, ये आपकी स्केर्ड मनी नहीं होनी चाहिए। स्केर्ड मनी से मेरा मतलब ये है कि आप जो ट्रेडिंग कैपिटल इस्तेमाल करते हो वो ट्रेडिंग कैपिटल आपके घर की ईएमआई के पैसे नहीं होने चाहिए, आपकी दिनचर्या जो होती है, राइट, अगर आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास 5 लाख रुपए घर चलाने के लिए है और आपने 5 लाख रुपए ट्रेडिंग कैपिटल में लगा दिए, 2 महीने आपको लॉस हुआ तो आपके घर में तकलीफ आ जाएगी। आपके मेडिकल इमरजेंसी के पैसे नहीं होने चाहिए, आपके बेटे बेटी की शादी की एजुकेशन के फंड के पैसे नहीं होने चाहिए, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं होना चाहिए। ये ऐसा पैसा होना चाहिए जो कि आप रेडी हो खोने के लिए, कि कल के दिन में मैं ये 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं स्टॉक मार्केट में, कल के दिन में अगर ये पैसा 0 भी हो जाता है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये माइंडसेट क्यों जरूरी है मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आपको सबको ये बोलते हैं कि स्केर्ड कैपिटल नहीं हो, स्केर्ड कैपिटल नहीं हो, क्यों नहीं हो स्केर्ड कैपिटल, क्या लॉजिक इसके पीछे आप बताओगे मुझे, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा।
जो भी बात करेंगे हम सब लॉजिक से करेंगे, देखिए, और एकदम साफ और एकदम क्लियर टर्म से बात करेंगे। मैं घुमा फिरा के बात करना मुझे नहीं आता है, मैं सिखाई नहीं हूं ये चीज। तो सबसे पहले जरूरी, यू नीड मनी टू मेक मनी, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैसे कमाने के लिए आपको पैसा चाहिए। मैं भी सर सोशल मीडिया पे हूं, मैं भी ट्विटर पे हूं, मैं भी लिंक्डइन पे हूं, खासकर ट्विटर पे या यूट्यूब पे मैं भी हूं। और जो M2M में जब देखता हूं ना कि इसने 50 लाख रुपए बनाए, 30 लाख रुपए बनाए, 15 लाख एक हफ्ते में एक दिन ट्रेड करके भी 15 लाख रुपए आपने बनाए, उसके लिए कितनी कैपिटल आपने डाली ये कोई नहीं बताएगा। सब फॉर्ज्ड है सर, सब फॉर्ज्ड है सर, चोर हैं। ये जो 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख के जो ये M2M पोस्ट कर रहे हैं आपको, जो एक्सपायरी के जो ट्रेड पोस्ट कर रहे हैं सर, बिना पैसे के पैसा नहीं बनेगा। देखिए, बहुत लोग हमारी टीम के पास फोन करते हैं, बहुत लोग हमें फोन करते हैं और बोलते हैं कि सर क्या कैपिटल चाहिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए। मैं हमेशा उनसे पूछता हूं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो कई महाशय होते बोले सर साल का एक महीने का 1 लाख रुपए तो मिल जाए, एक महीने का 1 लाख रुपए मिल जाए, वेरी गुड। भाई आपकी कैपिटल कितनी है? सर मेरी कैपिटल 2 लाख है। तो 2 लाख रुपए लेकर आप हर एक महीने 1 लाख रुपए कमाने की बात कर रहे हो, हर एक महीने आप 50% रिटर्न की बात कर रहे हो। मैं उनको हाथ जोड़ता हूं, मैं कहता हूं भाई मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं उतना सक्षम नहीं हूं, मैं कुबेर नहीं हूं कि हाथ ऐसे किया, यहां आपने 1 लाख रुपए डाले, यहां से 2 लाख रुपए निकले, मैं उतना सक्षम नहीं हूं। एक्सपेक्टेशंस हमेशा मॉडरेट रखे और रियलिस्टिक रखे। कोई धंधा ऐसा नहीं है सर जो आपको 1 लाख का 2 लाख बना के दे हर एक महीने। हाँ, अगर बस बैंक में धकेदी करनी है, चोरी करनी है, चरस गांजा बेचना है, स्मगलिंग करनी है, तब अलग बात है। यू नीड मनी टू मेक मनी सर, यू नीड मनी टू मेक मनी। और अपनी एक्सपेक्टेशन देखिए, बहुत अच्छे ट्रेडर अगर आप हैं, 5-7 साल से काम कर रहे हैं, तो 3%, 4% पर मंथ से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। साल का 30-40% निकाल लेते हैं ना तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स हो इन द वर्ल्ड। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट रखिए और कभी भी ड्रिवन अवे मत होइए, फैक्ट को समझिए। फैक्ट समझना बहुत जरूरी है। 50 लाख 10 लाख रुपए लेके आप 50 लाख नहीं कमा सकते सर, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। अगली बार से कोई भी M2M अगर आप देखो, कोई बड़ा M2M जो पोस्ट कर रहा है 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, भाई उससे कैपिटल तो उसका पूछ ले, कितने कैपिटल पे बनाया भाई ये तो बता दे मेरे को। सब फेक नहीं होते लेकिन मैक्सिमम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हाउ प्राइजेस मूव, प्राइस कैसे मूव होती है। अभी स्टॉक मार्केट में जब हम बात करते हैं कि भाव बढ़ गया, भाव गिर गया, ये 200 रुपए बढ़ गया, 300 रुपए गिर गया, निफ्टी 50%, निफ्टी आज 100 पॉइंट बढ़ा, निफ्टी 200 पॉइंट गिरा, भाई प्राइस कैसे मूव होते हैं। एक्चुअली डिमांड और सप्लाई वर्क करता है, मोस्ट ऑब्वियस आंसर है भाई, हाउ द प्राइजेस मूव्स, डिमांड और सप्लाई से प्राइस मूव होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये इकोनॉमी, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो सब चीज डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। कोई भी चीज, जिस चीज का डिमांड ज्यादा है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, जिस चीज का सप्लाई ज्यादा है उसकी प्राइस गिर जाएगी। जो सब बेच रहे हैं वो सप्लाई है, उसकी प्राइस गिरेगी। जो सब कुछ खरीद रहे हैं उसकी डिमांड ज्यादा है, उसकी प्राइस बढ़ेगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये सप्लाई डिमांड कौन क्रिएट करता है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। हु क्रिएट्स दिस सप्लाई एंड डिमांड। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं जो ये डिमांड सप्लाई क्रिएट करते हैं, उन्हें मार्केट प्लेयर्स या मार्केट मेकर्स बोला जाता है। ये एक फॉर्म होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं जो बहुत एक्टिवली ट्रेड करते हैं, कोई खरीदता है, कोई बचता है, बेचता है, बड़ा अकाउंट होता है, और ये जो है सप्लाई और डिमांड क्रिएट करते हैं, और हम उन सप्लाई डिमांड को देखते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। तो देखिए, ये सब है मार्केट प्लेयर्स।
मार्केट में खेलने वाले, मार्केट में ट्रेड करने वाले बैंक्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, HNI इन्वेस्टर होते हैं, और आपके और हमारे जैसे छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, छोटे छोटे ट्रेडर्स, आप जैसे मेरे जैसे। तो ये सब तीन चार जो एक ब्रॉड कैटेगरी है, बैंक्स, हेज फंड, म्यूचुअल फंड, HNI इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, जो मार्केट मेकर्स होते हैं, मार्केट प्लेयर्स होते हैं। मार्केट मेकर्स ऑफ कोर्स रिटेल ट्रेडर नहीं होते, लेकिन हाँ बाकी ये सब जो है मार्केट मेकर्स होते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मार्केट मेकर और मार्केट प्लेयर, मतलब एक रिटेल ट्रेडर और ये सब मार्केट मेकर्स में क्या फर्क है, क्या फर्क है बैंक्स, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, HNI ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स में, आप में और हम में और इन सब में क्या फर्क है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, देखते हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स, सबसे पहले हमारा एडवांटेज यह है कि हमारा साइज जो है वो कंट्रोल में रहता है। छोटे पैसे, कोई स्टॉक खरीदना है 50,000 का, 1,00,000 का, 2,00,000 का, 5,00,000 का, 10,00,000 का, 15,00,000 का, 20,00,000 का, छोटे पैसे, साइज हमारा कंट्रोल में रहता है। हम जानते हैं कि इसी लिमिट में हम खरीद सकते हैं, हमारे पास 5,00,000 रुपए हैं तो 5,00,000 के स्टॉक्स ही हम खरीद सकते हैं, वो हमारा साइज जो है वो कंट्रोल में रहता है। बड़े मार्केट जो प्लेयर्स होते हैं उनके पास ये एडवांटेज नहीं होता, वो बड़े पैमाने पे काम करते हैं, उनका जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है। दूसरा, हम अपने ओन डिसीजन तुरंत ले सकते हैं, हमें निकलना है तो एक मिनट में हम डिसीजन लेके मार्केट से निकल सकते हैं, वी कैन गेट आउट इन जस्ट 1 सेकेंड। तो हम अपने ट्रेडिंग डिसीजन हम खुद ले सकते हैं, बहुत जल्दी ले सकते हैं, लेकिन मार्केट जो मेकर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो ऐसे चुटकी मार के इतना हलवा, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि निकल गए तुरंत, वो नहीं कर सकते, वो इतनी जल्दी से निकल नहीं सकते मार्केट से, बहुत सारी चीजें जो अफेक्ट करती है उनको। लेकिन यहां पर देखिए सबसे ज्यादा जरूरी, और इस स्लाइड को ये पूरी प्रेजेंटेशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड मान के चलिएगा, कि मार्केट मेकर्स जो होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, HNIs होते हैं, जो हेज फंड्स होते हैं, उनके जो मैनेजर्स होते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑफ फंड्स तो होते ही हैं, इंफॉर्मेशन और फंड्स तो उनके पास ही होते ही है, साथ में उनको मिलती है सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन, इसका मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट से या स्टॉक मार्केट के लॉस से उनको कोई खास इफेक्ट नहीं होता। हाँ, बोनस पर्क्स अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज लॉस हो गया, मार्केट गिर गया, आज उनको लॉस हो गया तो वो घर जाके खाना नहीं खा पाएंगे, या उनके फाइनेंसेस में बहुत बड़ी डिफिकल्टी आ जाएगी, या उनकी EMIs पूरी नहीं होगी, या उनके लोन्स जो बहुत पूरे नहीं होंगे, ऐसा उनके पास नहीं है, क्योंकि उनको कमीशन सैलरी मिलती है, एक तरह से वो सेफ है क्योंकि रेगुलर फ्लो ऑफ फंड्स, पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है, उनको पैसे बनाने की खुजली नहीं है, दे डोंट हैव द अर्ज टू मेक मनी, जो कि हम रिटेल ट्रेडर्स में, छोटे ट्रेडर्स में कूट कूट के भरी है। मार्केट ऊपर जाओ या नीचे जाओ कोई मतलब नहीं, पैसा मेरे को बनाना है भैया, ये अपने अंदर कूट कूट के भरी है, अर्ज टू मेक मनी, अर्ज टू ट्रेड एवरी डे, अर्ज टू बी एक्टिव एवरी डे, वो ऑप्शन में कमा रहा है, ऑप्शन करते हैं, अरे वो फ्यूचर्स में कमा रहा है, फ्यूचर्स करते हैं, वो कमोडिटीज में कमा रहा है, कमोडिटीज करते हैं, इंट्राडे में इतना रुपया कमा रहा है, इंट्राडे करते हैं, ये हमारी अर्ज है, अर्ज टू मेक मनी। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हमारा, और कोई डिसएडवांटेज नहीं है, और कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। बाकी सब चीज ठीक है, राइट, मार्केट में मेकर जैसा प्रूव होगा, ठीक है, वो जो बड़े प्लेयर है उन्होंने 10 रुपए में खरीदा, हम 15 रुपए में खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अर्ज टू मेक मनी सर, आपको पैसे बनाने की जो खुजली है ना, वो आपको मरती है। ये खुजली आपको कब होना बंद होगी, तब जब आप अपने स्केर्ड फंड्स को यूज नहीं करोगे, आप एक इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट डेवलप कर लो, आप जब अपना काम कर रहे हो, आपकी जो सैलरी है
वो आ रही है, आप कोई बिजनेस में हो उसमें से आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, उसमें से आपको रेवेन्यूज मिल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा इनकम है उसका आपने दो पार्ट कर दिया, सेविंग्स की दो पार्ट कर दी, एक आपने लगा दी फिक्स्ड में एफडी वेफडी वगैरह वगैरह कुछ कर दी, और एक आपने लगा दिया स्टॉक मार्केट में। अभी आपको वो डर नहीं है कि अगर मुझे लॉस हो गया, अगर मैंने ये पैसा खो दिया तो मैं घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं अपनी ईएमआई पूरी नहीं कर पाऊंगा, मेरे बेटे की फी मैं नहीं भर पाऊंगा, ये वो डर आपको नहीं होता है। और ये जो मार्केट मेकर्स होते हैं ना, इनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है, और इनके इसके अलावा कुछ नहीं। और ये जो हम बाकी बोलते हैं ना माइंडसेट, हमें ट्रेनिंग करनी है, माइंडसेट ट्रेनिंग करनी, सर माइंडसेट नहीं है, सर माइंडसेट नहीं है, अरे माइंडसेट भैया कैसे तुम डेवलप करोगे, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम कहां पर गलत हो रहे हो। भाई तुम डॉक्टर के पास जाओगे, उसको बोलोगे कि मेरे पेट में दर्द है, जब तक वो तुम्हें पेट दर्द की दवाई देगा, तो पहले तुम ये जाके देखो कि तुम गलती कहां कर रहे हो, तुम्हें कौन सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तुम कौन सी जगह पे तुम्हारा साइकोलॉजिकल माइंडसेट साइकोलॉजिकल मेकअप हिल जाता है। और मैं आपको बताता हूं कि 99.99% यही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए वो जो 9 to 5 जॉब छोड़ दो और शैकल्स ऑफ 9 to 5, बी योर ओन बॉस, ये सब सब बकवास बातें हैं सर। नहीं मेहनत करोगे ना पैसा नहीं कमाया जाएगा, ये माइंडसेट छोड़ दो कि काम नहीं, बिना काम किए पैसे कमा लोगे आप, बिना एफर्ट डाले पैसे कमा लोगे। जो स्टीव जॉब है, जो एलन मस्क है, 18 घंटा काम करते हैं, ये 12 घंटा काम करते हैं, 14-14, 16-16 घंटा इन लोग काम करते हैं, बेवकूफ है इन लोग। सॉरी, वो एटीट्यूड छोड़ दीजिए कि आप ट्रेडिंग करने लगोगे, लैपटॉप लोगे, बीच पे बैठोगे, अपने बॉक्सर पे बैठे हो, सामने सन बात ले रहे हो, सामने पहाड़ है, लेक है, लैपटॉप खोल के बैठे हो, ट्रेड कर रहे हो। बहुत देखता हूँ मैं ऐसे फोटोज, मजा आ जाता है सच्ची, मतलब कि इतनी हंसी आती है ना कि भाई तुम दिखाना क्या चाह रहे हो, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। तो सर ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये सब चीज में कभी मत जाइए। एक ही चीज है, अपने जो स्कैड मनी है, जो आप सोचते हो कि आप लॉस नहीं कर सकते, उसको यूज मत करिए। और जो आप सोचते हो कि यस ये मैंने लर्निंग, मेरे लर्निंग के लिए मैंने रखी है, ये मैंने लर्निंग के लिए बचा के रखी है, इसे मैं यूज करूंगा स्टॉक मार्केट से लर्न करने के लिए, आप उसको यूज करिए, बहुत फायदा मिलेगा।